मधु के खत के अंत में यह गुड़िया लिखती है आपकी नालायक बेटी, खुद को नालायक बता रही है। लेकिन मेरा सवाल इस समाज से है, क्या यह बेटी नालायक है या समाज नालायक है? नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है, ये वीडियो एक ऐसे सब्जेक्ट पर है, ऐसे विषय पर है जहां हमको हमारे समाज को बहुत कुछ सोचने की जरूरत है। दरअसल हाल ही में एक मामला वसई पूर्व में वाली पुलिस स्टेशन की हद में हुआ था, जहां एक नाबालिग कम उम्र की लड़की ने खुद अपनी जिंदगी समाप्त कर दी थी। उस लड़की के अपनी जिंदगी समाप्त कर देने से, खुद को मिटा देने के बाद जो परिस्थिति सामने आई, जो कुछ ऐसे तथ्य सामने आए जो कहीं ना कहीं हमको अपने आप में सोचने पर मजबूर कर सकते हैं। दरअसल ये गुड़िया जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, कम उम्र की लड़की जिसने अपनी मौत से पहले एक नोट लिखा, उस नोट में उसने जो खुलासे किए, बेहद चौंकाने वाले तो है ही, लेकिन बहुत शर्मसार करने वाले भी है। खत को शुरू करूं उसके पहले बता दूं कि खत के अंत में ये गुड़िया लिखती है आपकी नालायक बेटी, खुद को नालायक बता रही है। लेकिन मेरा सवाल इस समाज से है, क्या ये बेटी नालायक है या समाज नालायक है? ये पढ़कर सुनाता हूं मैं गुड़िया ने जो लिखा है उसके शब्दों में, उसके बाद में कुछ आगे अपनी बात कंटिन्यू करूंगा। मैं गुड़िया जा रही हूं आप सभी को छोड़कर, पापा आपको खास करके, आप मुझसे जो यहां करते थे पता है मुझे वो सब क्या होता है, आप मुझ पर गंदी नजर डालते थे पता है मुझे, और मैं ये बात मां को भी बता रहा था पर कभी वो कुछ भी ना बोली। पापा जितने के दोषी है मां भी उतनी है। मेरे मौत के बाद मेरे भाई बहन का ख्याल रखना, पापा को सजा और मां को कुछ मत करना, बस मुझे इंसाफ चाहिए और कुछ भी नहीं। मेरे पिता को जेल बस मौत नहीं, उम्र कैद की सजा बस इतना काफी। मां आपको बस संजन और सुमित का ख्याल रखना है, मैं जा रही हूं आपकी नालायक बेटी, नीचे गुड़िया लिखा हुआ है। तो दरअसल ये मामला है वसई, जैसा मैंने पहले बताया, वसई के वाली पुलिस स्टेशन की हद में कुछ दिनों पहले पुलिस को एक नाबालिग लड़की की लाश मिली थी, और पुलिस जब उसकी तलाश कर रही थी तो पुलिस को ये नोट वहां से मिला। बाद में पुलिस इस मामले की अभी भी तफ्तीश कर रही है, और इस नोट की सत्यता, जो कि सबसे अहम पहलू है, वो सत्यता जानने की कोशिश कर रही है। इसकी फॉरेंसिक जांच अभी भी शुरू है, पुलिस की अपनी जांच चल रही है, और इस मामले में प्रशासनिक या आधिकारिक तौर पर अभी तक कोई बयान पुलिस का सामने नहीं आया, न ही पुलिस ने कोई आधिकारिक इसकी जानकारी फिलहाल साझा की है। लेकिन जो जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, ये जो पत्र है, इस पत्र की जांच होगी, उसके बाद में जाहिर सी बात है खुलासे होंगे कि ये पत्र सत्य है या कभी 1% 10% चांस में ऐसा भी हो सकता है कि कोई साजिश भी हो सकती है। लेकिन सवाल यही है कि अगर ये पत्र सत्य नहीं है तो गुड़िया ने अपनी जान क्यों दी? और अगर गुड़िया ने अपनी जान दी और ये पत्र सही है तो जो मैंने सवाल उठाए थे कि हमारे समाज को आज हम किस जगह पे है, एक बच्ची के लिए सबसे सुरक्षित जगह उसका घर, उसके मां बाप और भाई बहन होते हैं। लेकिन यहां इस बच्ची ने जो आरोप लगाया है और किसी पे नहीं, अपने ही बाप पे लगाया है। वो बाप उसके साथ घिनौनी हरकतें करता था, उससे तंग आकर बच्ची ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। और बच्ची ने जैसा कि लिखा है, ये बात मां को भी पता थी,
मां भी इस बात को बखूबी जानती थी, लेकिन मां ने भी कुछ कदम उठाया नहीं और अंत में बच्ची ने ऐसा कदम उठा लिया जो नहीं उठाना चाहिए था। उस बच्ची की क्या गलती थी? हमारा समाज किस जगह पर जा रहा है, यह हमें सोचने की आवश्यकता है। और कहीं ना कहीं ऐसी गुड़िया जो इस तरह के कदम उठा रही है, उनको बचाने की जरूरत है। अगर यह सिद्ध होता है कि यह पत्र वास्तव में गुड़िया का है, तो यकीनन गुड़िया के पिता जो कि आरोपी है, उनको सजा होगी और कानून जरूर उनको सजा देगा। लेकिन फिर से सवाल वही है कि क्या अब इतनी भी मानवता हमें नहीं बची है? हम महिला सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन महिला तो छोड़िए, एक छोटी बच्ची ही खुद अपने घर में सुरक्षित नहीं है, तो उसको क्या कहा जाए? दोस्तों, आज के लिए अभी यहीं पर रुकता हूं। अभी के लिए इतना ही। एक खबर मुझे ऐसा लगा कि करना चाहिए, हालांकि मामला कुछ दिनों पहले का है, और जैसा मैंने कहा कि प्रशासन इस मामले पर अपनी जांच कर ही रहा है और आने वाले समय में सकारात्मक तरीके से इस जांच का कुछ ना कुछ नतीजा आएगा। लेकिन एक पत्रकार होने के नाते मेरा भी फर्ज है कि मैं इस मुद्दे को अब जनता के सामने लाऊं और कहीं ना कहीं उस गुड़िया को न्याय मिल पाए। इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786